दुनिया के ऐसे वो देश जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे, जहां आपको दूर दूर तक कभी पेड़ नहीं दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला देश है ग्रीनलैंड और दूसरा देश है कतर। लेकिन अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीन शब्द आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पेड़ आते होंगे, जंगल आते होंगे या सुखदायक हरियाली का हरा भरा दृश्य। यही नहीं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से ग्रीन यानी हरा होगा, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़, घने जंगल या बाग बगीचे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बता दें कि आप पूरी तरह गलत हैं। दरअसल ग्रीनलैंड के हजारों मील के भूभाग में कोई पेड़ पौधे नहीं है। बता दें कि यह देश पूरी तरफ से बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग रहने के लिए नहीं आते हैं, और यही वजह थी कि इस देश का नाम ग्रीनलैंड रखा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया जा सके। लेकिन अब बात करते हैं उस दूसरे देश की, जहाँ प्राकृतिक तौर पर पूरे देश में एक भी पेड़ नहीं है। दरअसल वो देश है कतर, जो काफी समृद्ध और सुरक्षित है। यहाँ तक कि कतर दुनिया का सबसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है, और यहाँ बड़ी संख्या में गगनचुंबी इमारतें व घर हैं। लेकिन इस देश के लिए सबसे दुख की बात यह है कि इस समृद्ध देश में एक भी पेड़ नहीं है। कतर में आप जहाँ खाली जगह पर नजर दौड़ाएंगे, वहाँ आपको केवल खाली जगह और रेगिस्तान ही देखने को मिलेंगे। यहाँ साल भर में मुश्किल से ही बारिश होती है। हालांकि यहाँ के लोग अपने देश को किसी भी चीज में पीछे नहीं देख सकते हैं, और इसलिए वे 40,000 से अधिक पेड़ों के साथ एक मानव निर्मित जंगल बना रहे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा है।